आपस की लड़ाई नहीं है, ये एक हर पार्टी अपने विभिन्न राज्यों में प्रशासन के हिसाब से निर्णय लेती है। तो हमारा अनुरोध है कि इस समय उत्तराखंड में अगर हम चेहरा डिक्लेयर कर देंगे, अगर उस चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर कर देंगे, राहुल जी ने साफ कहा कि आप कांग्रेस हाईकमान जिसको भी चाहेगी हम उसके साथ हैं, हमारी इतनी राय है कि वो चेहरा हरीश रावत ही हो सकते हैं क्योंकि उनके समकक्ष ऐसा लीडर अभी दूसरा नहीं है। क्या प्रदेश नेतृत्व के जो कांग्रेस लीडर हैं या जो आपके विधायक हैं, जो 11 विधायक हैं, क्या ये आपके जो सोनिया गांधी से या कांग्रेस हाईकमान से क्या मुलाकात करेंगे? हम हर उचित मंच पर इस बात को ले जाएंगे और कह भी रहे हैं। क्या आप लोग लिखित जो हर कदम की जानकारी आपको हमेशा मिल जाएगी, प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात रख देते हैं, जब जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। नेता परिषद साफ कह चुकी है कि हरीश रावत नेतृत्व में 11 सीट आई थी, उसके बाद भी हरीश रावत देखे जो इस तरह की बात करते हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उस समय 2017 में से हम 11 आए थे तो 2019 को क्यों भूल जाते लोग कि जो उस समय का निजाम था, जो तब भी था आज भी है, वो 5 में से 0 में हम आ गए थे लोकसभा के चुनाव में। तो ये सवाल नहीं रहता है कि कौन कितना हारा कौन कितना जीता। राजनीति में इंदिरा जी हार गई थी लेकिन उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ा, मजबूती, अटल जी चुनाव हार गए, तो जीतना हारना बड़ी बात नहीं है। पर सबसे हम लोगों के बीच में और इस समय उत्तराखंड की जनता के बीच में लोग हरीश रावत को एक लीडर के रूप में एक देखते हैं कि यही कांग्रेस के नायक नाव को और कांग्रेस के नाव को ही नहीं उत्तराखंड राज्य को विकास के नए मुकाम तक ले जा सकते हैं।